अगर बात हिस्ट्री की जाए तो फियरलेस और ब्रेव क्वीन झांसी की रानी का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनके अलावा इतिहास में न जाने ऐसी कितनी और रानियां हैं जिनका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ऐसी एक रानी थी चेन्नम्मा। इनके पति और इनके बेटे की हत्या के बाद इनके पास सिर्फ दो रास्ते थे। पहला, या तो ये किसी बच्चे को अडॉप्ट करे और अपनी डायनेस्टी को कंटिन्यू करे, या फिर ब्रिटिशर्स के सामने अपनी सत्ता को खो दे। ऐसे में इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को चुना और एक शिवलिंगप्पा नाम के बच्चे को अडॉप्ट किया। लेकिन इनके इस एक्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में हलचल मच गई। ऐसे में रानी चेन्नम्मा अपने राज्य की तूर को सियासत के रूप में खोने नहीं देना चाहती थी। ऐसे में इन्होंने आगे से अंग्रेजों को चैलेंज किया और अपने 20,000 सोल्जर्स और 400 गन्स के साथ अंग्रेजों पर हमला किया। अब ऐसे में हिस्ट्री में ऐसी बहुत ही कम फीमेल रूलर्स रही हैं जिन्होंने कि कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेल लिया हो, इसलिए कर्नाटक में आज भी रानी चेन्नम्मा को फोल्क हीरो के रूप में जाना जाता है और ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट सिंबल रही है।